नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। एमपीपीएससी में सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कि नंबर आप पोस्ट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है और यदि आपको यह जॉब मिल गई तो आपको कुल कितनी सैलरी मिलेगी। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी की तरफ से 3 टेस्ट सीरीज आप सभी को बिल्कुल फ्री दी जा रही है। फर्स्ट फ्री क्लास 2 जनवरी से शुरू होगा फ्री मॉक टेस्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर टेस्ट और एनालिसिस क्लास के साथ साथ क्लियर करेंगे आपका सारा डाउट। नेक्स्ट 4 जनवरी से शुरू होगा फ्री प्रैक्टिस PHY टेस्ट सीरीज, जिसमें SSC CGL और CHSL स्टूडेंट्स को इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे पिछले 40 साल का रेगुलर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट फ्री क्लास में वरुण अवस्थी सर 4 जनवरी से T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको GA और GK के 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। सो इन सभी फ्री टेस्ट में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे इस कोड का यूज कर इनरोल करें, और यदि आप इस कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए नोटिफिकेशन पे आते हैं। यदि आपको यह जॉब मिलती है तो आप MPPSC में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत होगी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर होना चाहिए। सो यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री नहीं है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। जिन भाई लोग के पास बैचलर डिग्री नहीं है वो सभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, बट जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिलेटेड यदि कोई भी जॉब आती है तो आपको इस चैनल पर जरूर से जरूर मिल जाएगी। नंबर आप पोस्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए टोटल 30 पोस्ट है। सो 30 सिविल इंजीनियर्स को जॉब मिलने वाली है। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिन रात एक कर दीजिए, क्या पता 30 में आपका सिलेक्शन हो जाए। 30 में जनरल कैंडिडेट के लिए 10 सीटें हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 6, OBC के लिए 7 और EWS कैंडिडेट के लिए 3 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 15 जनवरी 2021 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, और इसके साथ साथ लास्ट डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2021 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। 13 मई 2021 को आपको पहला CTV होगा, यानी कि कंप्यूटर वेज टेस्ट होगा। जॉब अप्लाई की बात करें तो आप देख लीजिए, यह वेबसाइट है www.mppsc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इसके साथ साथ यदि हम दूसरी वेबसाइट की बात करें तो ये दूसरी वेबसाइट है www.mppsc.com। 15 जनवरी 2021 से इन दोनों वेबसाइटों पर यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। एज काउंट डेट की बात करें तो 1/1/2021। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका CVT यानी कि कंप्यूटर वेस टेस्ट होगा। यदि आप कंप्यूटर वेस टेस्ट पास कर जाते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, और यदि आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे। फॉर्म अप्लाई फीस की बात करें, यदि आप मध्य प्रदेश के ST, SC, OBC और PWD कैंडिडेट में आते हैं तो आपको ₹600 इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पे करना होगा। और यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट से हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको ₹1200 पे करने होंगे। एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 7 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। इन सब में जो आपके सबसे नजदीक हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर कुछ इस प्रकार है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, ये आपके एग्जाम सेंटर हैं। इन सब में आपके जो नजदीक हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट होने के बाद यदि हम सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेकर 39,000 के बीच होगी, और इसके साथ साथ आपको 5400 ग्रेड पर रखा जाएगा। सो ओवरऑल सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास हो सकती है। और इसके साथ साथ इस जॉब के टाइप की बात करें तो स्टार्ट में 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर आपको रखा जाएगा, उसके बाद जरूरत के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाया जाएगा।
और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो STSC OBC और इसके साथ साथ PWD कैंडिडेट हैं, आप सभी को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से TA की सुविधा दी जाएगी। सो अभी के लिए बस इतना ही। पूरे नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।